देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा आयोजन शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवनियुक्त अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं जिला शांति समिति के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। दो ही विसर्जन जो नदी में होता है, एक होता है महाराजी पुल के पास में जो पूजा होती है वहाँ पर, और एक सिद्धारा वाली पूजा, और एक सर बाजार समिति वाला जो पूजा है वहाँ पे। नहीं तो बाकी सारा पूजा ज्यादा जो भीड़ है हराही पे होती है, गंगा सागर पे होती है और दिघी पे होती है जो शहर का मुख्य तीन पोखर है। हराही पे सब ज्यादा भीड़ होती है और दरभंगा राज कैंपस के अंदर में जो पोखर है कैदराबाद जो मूर्ति बैठती है कैदराबाद चौक में होता है। तो दो जगह सर सिर्फ है, एक महाराजी पुल पे थाना अध्यक्ष महोदय या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और एसडीओ एसडीएम सदर के माध्यम से लाइसेंस मिल जाता है। तो होता क्या है, हमारे सागर में चलेंगे एमएलए के दिन पता होते जाएंगे उस लाइसेंस में लिख दिया जाता है सर कि दूसरा लगिया साहब का वन सुंदर होते जाएंगे। और व्यवहार में प्रैक्टिस में क्या है, हम सब देते हैं पता होते हुए सीधे और पट्टी तो ना रहा है इलाके में करते हैं भीतर एक तो उसको सुधार किया है के। जिला बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक एवं वर्तमान गौ रक्षा प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गौ रक्षा दल जिला के तत्वावधान में नवरात्रा के उपलक्ष में विधि व्यवस्था के संबंध में जिला अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी और नगर आयुक्त के नाम सौंपा गया ज्ञापन। वहीं ज्ञापन के माध्यम से बजरंग दल के राजीव प्रकाश मधुकर ने मांग की है कि नवरात्रा हिंदुओं के लिए बहुत ही पावन उत्सव होता है और इसमें सभी लोग शुद्धता और पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ, भक्ति में मंत्र उच्चारण के साथ पाठ एवं पूजा करते हैं। इस समय शहर में कई जगह मंदिर एवं पूजा पंडाल लगाकर माता की पूजा की जाती है। इस दरमियान पूजा पंडाल के इर्द गिर्द मांस मछली और अंडे की दुकान खुली हुई होती है जिससे हिंदुओं के लिए आहत पहुंचाने की बात होती है और यह सभी दुकानें सड़क के मुख्य मार्गों पर खुली हुई है जिस मार्ग से होकर श्रद्धालु पूजा पंडाल में पूजा अर्चना करने जाते हैं। जहां रास्ते में अंधेरा या सन्नाटा क्षेत्र पड़ता है उस जगह पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अभद्र व्यवहार छीन झपट किया जाता है। ऐसे नामचीन जगहों पर जैसे चतरिया, नीम पोखर, बाजार समिति, बाजिदपुर, बहादुरपुर, तारसा, मुरिया, गौसाघाट, पंडासराय, रत्नपट्टी, तरौनी, इन सभी जगह शहर से हटकर हैं और इन सभी जगह पर सन्नाटा ही रहता है, इस प्रकार की घटनाएं होती है। वहीं मधुकर ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इस पूजा के समय सभी पंडालों में साफ सुथरा एवं चूना छिड़काव और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जाए। साथ में 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सभी पूजा पंडालों में चिकित्सा की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था की जाए। शहर के अंदर मन चलो अपराधी प्रवृत्ति के उद्दंडता करने वाले लोगों पर भी निगरानी दें। इस सभी मांग को लेकर जिला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को अचानक आसमान में बादल छा गया और कुछ हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते काफी तेज और मूसलाधार हुई बारिश के कारण विकास भवन दरभंगा को बनाया गया दरभंगा नगर निगम चुनाव हेतु चुनाव कार्यालय, जहां पर चुनाव एवं नामांकन की प्रक्रिया एवं कागजातों की जांच चल रही थी, लेकिन अच्छी खासी हुई बारिश के कारण विकास भवन पूरी तरह से डूब गया और बारिश और हवा के कारण कुछ समय के लिए बिजली का लाइन भी कट गया, जिसके बाद लोगों ने मोबाइल जलाकर मोबाइल की रोशनी में कागजात की जांच की और बाद में इतनी अधिक तेज बारिश हुई कि विकास भवन प्रांगण पानी में ऐसे डूबा कि कुछ समय के लिए जो हेल्पलाइन कॉन्टेक्ट बनाया गया था जहाँ पर पदाधिकारी कर्मी नियुक्त किए गए थे थोड़ी देर के लिए अपने अपने टेबल काउंटर को भी छोड़ना पड़ा। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा 30 सितंबर को जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी जिनमें लगभग 25,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन संपन्न कराने हैं तो डीएमसीएच के सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी केंद्र अधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को सफलतापूर्वक
परीक्षा संचालन हेतु ब्रीफिंग की गई। परीक्षा कदाचार रहित संपन्न कराने को लेकर बीपीएससी द्वारा किए गए बदलाव से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अब परीक्षा केंद्र के अंदर 11 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार प्रवेश निषेध रहेगा। इसलिए 11 बजे के पूर्व सभी परीक्षार्थियों की फीस स्क्रीनिंग कर प्रवेश दिलाना होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के उपरांत 11 से 12 बजे तक परीक्षार्थी अपने कक्ष में बैठे रहेंगे। इस दौरान उन्हें कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। गश्ती दंडाधिकारी द्वारा प्रश्न पत्र का बक्सा 11 बजे के बाद ही केंद्र अधीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। वे 11:30 बजे तक दोनों परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र का बक्सा उपलब्ध करा देंगे। बक्से के अंदर प्रश्न पत्र का सील्ड लिफाफा परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षार्थियों के सामने खोला जाएगा। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात ओएमआर सीट उसी लिफाफे में परीक्षार्थियों के सामने ही सील्ड किया जाएगा। इसके लिए परीक्षा समाप्त होने के उपरांत 15 मिनट के बाद ही परीक्षार्थी कमरा छोड़ सकेंगे। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र का बॉक्स जिस लॉकर में रखा जाएगा वह कॉम्बिनेशन लॉक होगा, जिसका नंबर 30 सितंबर को पूर्वाहन 10 बजे नोडल पदाधिकारी SMS के माध्यम से भेजा जाएगा, जिससे वह खुलेगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नगर निगम 2022 के तहत चल रहे 16 सितंबर से 24 सितंबर तक नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन के 8वें दिन शनिवार को आखिरी दिन नगर निगम चुनाव हेतु नामांकन कराने की तिथि समाप्त हो गई। कई अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षद पद के कई उम्मीदवारों ने अंतिम दिन अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मेयर पद में नामांकन के अंतिम दिन वार्ड नंबर 36 की डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता दरभंगा नगर निगम से मेयर पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल की। वार्ड नंबर 24 से अंजुम आरा और मीना झा ने मेयर पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल की। दरभंगा नगर निगम में महापौर पद के लिए अपना नामांकन की हूँ। मेरी प्राथमिकता होगी, मैं सबसे पहले स्लॉटर हाउस का निर्माण कराऊंगी। जो खुली सड़कों पर मांस विक्रेता मांस बेचते हैं, एक बीमारी का कारण है, और वो स्वच्छ मांस जनता को खिलाएं, इसके लिए अलग मार्केट की व्यवस्था, स्लॉटर हाउस की व्यवस्था करवाऊंगी। दूसरा, नगर निगम में जो हमारे कर्मी काम करते हैं, सफाई कर्मी, अनुसूचित जाति के, दलित जाति के होते हैं, वो सॉस भी उठाते हैं, गंदी कचरा भी उठाते हैं, लेकिन उनको संविदा पे रखा जाता है अभी तक के दौर में। मैं उनको न्याय दिलाने का काम करूंगी। मैं अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण ईमानदारी पूर्वक अपने दाखिल किया है। मैटर पे कोई प्राथमिकता नहीं है, अभी हम सिर्फ नॉमिनेशन करने आए हैं, क्योंकि मेरे जो है जनता और मेरे जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप सिर्फ नॉमिनेशन कर लीजिए, उसके बाद मैं अपने बेटा के पास यहाँ से सीधे जाऊँगी, जो बहुत ही बीमार है, वो मेदांता हॉस्पिटल में वेंटिलेशन पे है। उसके बाद मैं आने के बाद, जब मेरा बच्चा अच्छा हो जाता है, तो आने के बाद जो कुछ आपका सवाल होगा उसका मैं जवाब दूँगी। अब के लिए 5 महीना टाइम मिला, 5 महीना में जो भी हुआ शहर के लिए बहुत ईमानदारी से काम किए, और ईमानदारी से के साथ साथ भी काम का रेस भी लगाए, रोड नाला जो भी था, पानी का बहुत जम जमा था, उसका निकासी के भी काम किए हैं, और पत्नी को लड़ा रहे हैं क्योंकि देवी नाम है, और हमको एक बार मौका दे पत्नी को, कन्या के शहर को सुंदर बनाने के काम करेंगे, और जो भी जल समस्या का है वो निदान जरूर करेंगे, और रोड का भी काम करेंगे, नाला का भी काम करेंगे, सब सुंदर कैसे हो दरभंगा मिथिलांचल।
इतना बड़ा जिला है दरभंगा, मुख्यालय है, सुंदर बनाने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं एक बार मौका दूँ, पुनः दरभंगा का जनता से निवेदन करता हूँ। डिप्टी मेयर पद के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया अर्पना झा और पिंकी देवी ने। इसके अलावा पार्षद पद में अपना अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले वार्ड हैं, वार्ड नंबर 2 से साधना कुमारी, वार्ड 11 से सोनी पूर्वी, वार्ड नंबर 36 से सन्नी कुमार, वार्ड नंबर 48 से पीर मोहम्मद, वार्ड नंबर 21 से सैयद अख्तर हसन। इसके अलावा और भी कई उम्मीदवारों ने नगर निगम चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन पर्चा भरा। राज्य सरकार मेरा सबसे पहला मेरा मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के बाद ही जो है तो विकास होता है। इसको अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं, रोड नाला ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है, ये तो होगा ही, लेकिन मेरा प्राथमिकता होगा शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले आगे, उसमें आगे हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, बिजली का व्यवस्था हो, ये सब जो है मेन मुद्दा है। चुनाव ये होगा, विकास का मुद्दा होगा, वार्ड का विकास होगा, वार्ड का उत्थान होगा, वार्ड का सामाजिक कार्य होगा, जो पहला प्राथमिकता ये होगा। जय बोलेंगे, जनता का आदेश है कि इस बार पीर भाई जनता ने आदेश कर रहा, आपको हमारी आशीर्वाद है, आप इस बार जिस चुनाव लड़िए हम आपके साथ हैं। नंबर 10 पार्षद पद का प्रत्याशी उसमें नामांकन किया हूं मैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी रहेगी वार्ड के सर्वांगीण विकास, रोड नाला साफ सफाई, ताकि मैं जनता के बीच अपनी एक पहचान बना सकूं। पूर्व से ही मैं समाज सेवा करता आया हूं, इसलिए मेरी एक पहचान वार्ड में है। मतदाताओं से कि जात पात से उठ के युवाओं को मौका दे, उनके काम को देखें। निश्चित रूप से इस बार मैं वार्ड नंबर 10 से जीत हासिल करूँगा। बस इतना सुनना चाहते हैं कि जनता ने इस बार सरकार ने जनता को चुनने का अधिकार दिया, बस उतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों से कि हाँ, इस बार अगर कोई आम जनता, हम तो गृहिणी है, हमको नहीं पता है, नहीं समझ है कि जनता चुन के ही ले जाएगी आगे, जनता के ऊपर है। हाँ, हम दरभंगा शहर के लिए चाहते हैं जो जिस परिस्थिति से गुजर रही है उसका निदान करेंगे। इस बार में नगर निगम का चुनाव धन्ना सेठों के यहाँ नहीं, जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में पहली बार यह फैसला आया है कि जनता इस बार चुन के मेयर और डिप्टी मेयर का पद तय करेगी। तो हम एक सामान्य परिवार का बेटा है, एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता है, मुझे उम्मीद है कि हमने अगर दरभंगा की जनता के लिए इतने वर्षों से कार्य किया है तो इस बार चुनाव हम, हमारा परिवार नहीं बल्कि जनता लड़ेगी और जनता जीत के दिखाएगी। और यह दिखाइए कि एक सामान्य घर का लड़का, सामान्य कार्यकर्ता लगातार संघर्ष करके जनता के आशीर्वाद से शीर्ष तक पहुंचकर शहर के परिवर्तन का आधार बन सकता है। 7 वार्ड उनका जिनका वृद्धा पेंशन रुका हुआ है उनको पूरा करना है, समस्या को पूरा करना है। मिलेंगे उन सबसे पूछेंगे तब उन लोग बताएंगे, उसके बाद ना बताएंगे, मौका दे उसके बाद में विकास करके दिखाऊंगी। अपने वार्ड से यही अपील करूंगा कि वार्ड की जो भी होते हैं राशन प्रणाली जन वितरण, वो समय समय पर और सही ढंग से वितरण हो। और मैं अपने वार्ड के लिए जिस तरह मैं नर्सिंग का काम शुरू से करते हैं, अपने वार्ड के लिए व्हीकल सेवा और नर्सिंग सेवा हर समय इमरजेंसी कालीन में 24 घंटा मेरे लिए मुफ्त फ्री रहेगा। दावा भी करेंगे वार्ड सबसे अच्छा और स्वच्छ बनाएंगे। तो महिला वार्ड है वहाँ, तो महिला के रूप में ही वहाँ सेवा करना होगा, इसलिए वहाँ नाली की समस्या है, जल जमाव की समस्या रहती है ना, विद्यालय की समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, सफाई ढंग से नहीं हो पा रहा, शौचालय का समस्या अभी भी है, ODF होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना अभी तक ढंग से बना नहीं है। सबसे बड़ा है कि वहाँ सफाई बंद।
नामांकन के अंतिम दिन वार्ड नंबर 32 से एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। हालांकि यह पहले से कयास लगाया जा रहा था कि वार्ड नंबर 32 निर्विरोध होगा, जबकि वार्ड नंबर 47 भी निर्विरोध होने की आशंका जताई जा रही थी। वहां एक नाजिर रसीद भी कटाया गया था कि उम्मीदवार नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन वहां निर्विरोध रहा। डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ हुआ दरभंगा राज मैदान में। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार यादव, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्य मीना झा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जो निराशा फैल गई थी और जो मनोरंजन का साधन नहीं के बराबर था, इसको देखते हुए तो आवंटित किया गया है कि कोरोना के बाद लोग कोरोना से जो उभरे हैं तो उनका मनोरंजन पूरा के लिए है। 16 तारीख दिया गया था, ग्राहक तो आएंगे ही, व्यवस्था की जा रही है, इस बार नहीं घाटा होगा। इस बार हम लोग देख लिए हैं बहुत अच्छा से चलेगा, घाटा नहीं पर लाभ ही लाभ होगा। अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है, हम बात करेंगे आगे।